अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग प्रोग्राम। टुडे लेक्चर इज अबाउट पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने बहुत ही पियाजे की इम्पोर्टेंस रोल है हमारी साइकोलॉजी में कि उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी दी थी, उसके बारे में आज हम लर्न करेंगे बेसिक क्या टर्म्स हैं पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे वो पर्सन है स्टूडेंट्स जिसने फर्स्ट टाइम जो है हमारी कॉग्निशन पे काम किया था, और इसने बताया था कि जब बच्चा बड़ा होता है चाइल्डहुड, अगर आप चाइल्ड ऑफ द फादर साइकोलॉजी में कहें तो इस कार द पियाजे, इसने बच्चों की कॉग्निशन पे काम किया था। इसने कहा था जैसे जैसे बच्चों की एज इंक्रीज होती है, बच्चा बड़ा होता है, क्या उसका दिमाग, उसकी जो कॉग्निशन है वो भी बढ़ती हैं, और वो कैसे बढ़ती हैं, कि एक बच्चे को पैदाइशी तौर पे नहीं पता होता कि इस तरह खाते हैं या इस तरह बैठते हैं, वो कैसे सीखता है, उसकी कॉग्निशन कैसे एज के साथ साथ बढ़ती है। एक्चुअली इसकी थेरीज का पर्पस ये था कि उसकी जो दिमाग की जो एबिलिटीज हैं वो कैसे डेवलप होती हैं विद द पैसेज ऑफ एज। फर्स्टली आपको आज मैं अंडरस्टैंड करवाऊंगी पियाजे के कॉन्सेप्ट में, आपके पास डिफरेंट टर्म्स यूज हुई हैं पियाजे ने जो की हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए। फर्स्ट वर्ड है आपके पास स्कीमा। स्कीमा होता है कोई भी मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द नॉलेज, किसी भी नॉलेज का आपके दिमाग में कोई स्ट्रक्चर होना। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एप्पल दिखाती हूँ, आप कहोगे ये डैट इज एप्पल, आपको मैं मैंगो दिखाऊंगी, आप उसको बताओगे मैंगो, कैसे बताओगे, वो एप्पल का स्कीमा आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है, एक नॉलेज आपके दिमाग में कि एप्पल का शेप जो है वो ये है, कलर ये है, साइज ये है, और इसी तरह मैंगो का भी आपके दिमाग में एक पिक्चर है कि इसका मैंगो की शेप ऐसी होती है, मैंगो का कलर ऐसा होता है। तो ये दिमाग में पहले से नॉलेज का होना डेट इज कॉल्ड द स्कीमा। ठीक है, स्कीमा एक अलग से टर्म है, इसको आपने अलग से याद करना है कि स्कीमा क्या है, इसे अलग से आपने जो है अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद पियाजे की थ्योरी की जो बेसिक जो उनसे आ जाती हैं चीजें, वो फर्स्टली आती है डिसइक्विलिब्रियम। दो स्टेट है, स्टेटमेंट है डिसइक्विलिब्रियम जिसमें जिसे कहते हैं कंफ्यूज स्टेट, एंड इक्विलिब्रियम जो होती है बैलेंस स्टेट। देखें अभी आपने लेक्चर स्टार्ट किया पियाजे की थ्योरी, आप इस टाइम डिसइक्विलिब्रियम स्टेट में हैं, आप कंफ्यूज हैं पियाजे ने कैसी थ्योरी दी, पियाजे की थ्योरी में क्या है, कॉग्निशन कैसे इंक्रीज होती है, एज कैसे इंक्रीज होती है, एज इंक्रीज के साथ साथ आपकी कॉग्निशन, इन सब सवाल आपके दिमाग में जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ये आपकी स्टेट डिसइक्विलिब्रियम में है। जब आप लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपको चीजें समझ आ जाएंगी, दैट बिकम द इक्विलिब्रियम, बैलेंस स्टेट आ जाएगी, आपके दिमाग में सब कुछ पता होगा। इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करना या इसके पूरे प्रोसीजर को कहते हैं इक्विलिब्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रेशन जो सा है इसका टोटल प्रोसीजर है जिसमें आप एक कंफ्यूज स्टेट से बैलेंस स्टेट में जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है इक्विलिब्रेशन जो सा है। इक्विलिब्रेशन में आपके पास दो फर्दर चीजें आती हैं, एडेप्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्शन ऑलरेडी इन फिर फर्दर एक बड़ा प्रोसेस है, एडेप्शन में आपके पास दो चीजें आती हैं, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, और जो सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें फर्दर कुछ भी जो है वो कैटेगराइज नहीं किया गया। एडेप्शन के अंदर क्या होता है, दो चीजें आपके पास एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या होती हैं, ये आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटा सा बच्चा ले लें, ठीक है, उस बच्चे के लिए उसकी मामा ने व्हाइट कलर की उसे बॉल ला के दी, ठीक है, अब उसे पहले से कुछ नहीं पता ये क्या चीज है, उसके मामा पापा ने उस बॉल को टैप करके दिखाया, उछाल के दिखाया, तो उसे पता चल गया ये बॉल है, उसे बताया कि ये बॉल है, वो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में गया। अब देखिए उस बॉल कुछ ही टाइम के बाद उसके पेरेंट्स ने ग्रोसरी की चीजें लाए और उसमें एग्स थे, तो उसने जैसे ही ग्रोसरी की चीजों में एग देखे उसने उठाया और उसे भी उसी तरीके से फेंका, बिकॉज उसके माइंड में स्कीमा था कि हर वाइट और गोल चीज अब उसे थोड़ी सी शेप में चेंजिंग नजर आई, लेकिन उसका स्कीमा उस टाइप का छोटा स्कीमा बना हुआ था, तो उसने कहा कि हर गोल और वाइट चीज है ये बॉल है, इसे टैप करते हैं, इसे फेंकते हैं, इससे खेलते हैं। उसने जब उस एग को फेंका, अंडे को फेंका, तो वो टूट गया। फिर उस टाइम क्या हुआ, उसके पेरेंट्स आए और उसको एग को तोड़ के उसे बना के उसे खिला के दिखाया कि ये आपका एग है, ये आपकी बॉल है, ये होती है आपकी चीजों को सही से उन्होंने बताया। देखें जब उसने उसको फर्स्ट टाइम बॉल आई डेट इज का डिसइक्विलिब्रियम,
उसके बाद जब एग आया, एग को देख के जो चीजें उसने एग को वैसे ही एक्ट किया, ठीक है, उसके स्कीमा बना हुआ था, तो उस एक्ट करने से उसके पेरेंट्स ने जो बताया कि ये एग है और ये बॉल है, उसे कहते हैं अकोमोडेशन। किसी पुरानी चीज को नया करना या किसी नई चीज के बारे में स्कीमा बनाना इज कॉल्ड द अकोमोडेशन। किसी भी पुरानी चीज, अब उसे पहले से पुराना स्कीमा था उसका माइंड में कि ये बॉल है, लेकिन अब वहां पे वो आके घबराया, कंफ्यूज हुआ, दोबारा डिसइक्विलिब्रियम में चला गया कि ये तो बॉल नहीं थी, ये तो कोई और चीज है, बॉल होती तो ये तो टूटती ना। तो इस पुराने स्कीमा को न्यू करना, डेट इज कॉल्ड द अकोमोडेशन, ठीक है। और अगर आप पुराने स्कीमा में कोई नई चीज को अप्लाई कर देते हो, कैसे अप्लाई करते हो, एसिमिलेशन होता है किसी पुराने स्कीमा में एक नई चीज। अब उसने देखा हर दफा बॉल आती है, कभी बॉल येलो आती है, कभी बॉल ग्रीन आती है, कभी बॉल ब्लू आती है, और कभी बॉल किसी टाइप की आती है। उसे डिफरेंस बॉल्स नजर आई और उसने फिर सीखा कि जो बॉल होती है वो सिर्फ गोल होती है, लेकिन इसका कलर चेंज होता है, इसकी जो सॉफ्टनेस होती है वो चेंज होती है। जब उसने डिफरेंशिएट कर लिया उसी बॉल को एग से कि एग जो सा है ये ओवल शेप है, ये बॉल नहीं है, बॉल गोल होती है और लेकिन कलर चेंज होता है, जब पुराने स्कीमा के अंदर उसने नई चीजें ऐड कर ली, डेट इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। अब देखिए, आप रोज ही कोई ना कोई चीज सीख रहे होते हैं, रोज ही आपको कुछ ना कुछ जो सा है चीजों को दोबारा से आप डिसइक्विलिब्रियम में जाते हैं, चीजें गलत हो जाती हैं जब आप से, तो आप आपका एक दफा स्कीमा बन जाता है एक चीज के बारे में, लेकिन जैसे ही वो स्कीमा गलत होता है आप डिसइक्विलिब्रियम में जाते हैं, और डिसइक्विलिब्रियम से आप फिर एकोमोडेशन में आते हैं, और फिर कोई ना कोई चीज आपको जो पहले से लर्न होती है आप उसमें न्यू ऐड करते हैं, तो एसिमिलेशन करते हैं। अब ये इतना ज्यादा मटीरियल ये क्या करते हैं, आप एक्चुअली क्या करते हैं, डेली रूटीन पे उन चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन। चीजों को तरतीब से अपने माइंड में सेटिंग में रखना, डेट इज ऑर्गेनाइजेशन। इस पूरे प्रोसीजर के बाद आपकी जो मटेरियल होता है, आपका जो नॉलेज होता है, वो एक्विलिब्रियम में चला जाता है। डेट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पियाजे थ्योरी। जी, अब आ जाती है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पियाजे की थेरीज में, कॉग्निटिव थेरीज की अगर बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थेरी ऑफ पियाजे, तो उसमें फोर स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट स्टेज है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज, एंड देन प्री ऑपरेशनल स्टेज, एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, स्टेज याद करने से पहले उनके जो नेम है उसको आपने अच्छे से याद करना है, बिकॉज आपको जब नेम की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपको स्टेज के मतलब की पूरी स्टेज आपको समझ आ जाएगी। मैं खुद आप लोगों को एक एक स्टेज के बारे में उसके मीनिंग्स बताऊंगी कि किस स्टेज में इसका नाम पियाजे ने क्यों लिखा। और एक्चुअली अगर हम देखते हैं तो पियाजे ने ये अपने ही बच्चों पे काम किया था और उसी पे उसने ये डेवलपमेंटल स्टेजेस बनाई थी। उसने बेसिकली कहा था कि इंसान के जो इंसान एज के साथ साथ उसकी कॉग्निशन कैसे इंक्रीज होती है। सो फर्स्ट स्टेज हम स्टार्ट करते हैं। जी, फर्स्ट स्टेज आ जाती है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में जो सेंसरी अलग वर्ड है, मोटर अलग, सेंसरी आपके सेंसेस के थ्रू बच्चा इसमें सीखता है, मोटर और अपने मसल्स के थ्रू। दो चीजें अगर आपके क्वेश्चन अराइज होता है कि सेंसेस के थ्रू किस एज में बच्चा, किस स्टेज में बच्चा सीखता है, या मसल्स के थ्रू या मोटर्स के थ्रू, डेट इज द सेंसरी मोटर स्टेज। अगर बच्चा सेंसेस एंड मोटर पे काम हो रहा है, देन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सेंसरी एंड मोटर। सेंसेस के थ्रू वो क्या करता है, चीजों को देखता है और सिर्फ देख के उसको पकड़ने की कोशिश करता है। रिफ्लेक्शन एक्शन का एंड हो जाता है इस एज में। रिफ्लेक्शन एक्शन क्या होता है, खुद ब खुद चीजों का हो जाना। जैसे बच्चों के हैंड्स, जब बच्चा बर्थ होती है बच्चे की, तो ऑलमोस्ट 5 मंथ तक क्या होता है, बच्चे के हैंड राउंड रहते हैं, उसके अपने कंट्रोल में नहीं होता उस हैंड्स को खोलना। उसका हैंड अगर उसके मामा पापा या कोई भी उसके हैंड्स को खोल के ऑब्जेक्ट रखता है, कोई चीज रखता है उसके हैंड पे, तो वो फौरन से अपने जो हैंड है उसको राउंड कर लेता है, बिकॉज इट इज नॉट कंट्रोल टू द अवर रिफ्लेक्शन एक्शन। तो जब बच्चा 2 साल तक होता है तब उसके रिफ्लेक्शन एक्शन का एंड हो जाता है, बच्चे के हैंड्स अपने कंट्रोल में रहते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से चीजें उठाते हैं और उसको हैंड्स को काम करते हैं, उससे सारे जो रिफ्लेक्शन एक्शन के होते हैं। सेकंड आ जाता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में क्या होता है, एग्जाम्पल देती हूँ उससे आपको समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे की मामा है, वो दूध को बॉयल करके उसने उसको ऑब्जेक्ट को ला के रूम में रखा है, तो बच्चा उस तरफ भागेगा। आपने देखा होगा इस एज के बच्चों को एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस होगा, अगर नहीं है तो आप कर लें एक्सपीरियंस, किसी बच्चे को देख लें 2 साल के बच्चे के क्या काम होते हैं, तो आप देखेंगे वो बच्चा उस तरफ भागेगा उसे पकड़ने, बिकॉज उसे ये नहीं पता ये चीज हॉट है या कूल है, वो उस चीज को पकड़ेगा, बिकॉज उसका बिहेवियर जो है डायरेक्टेड है, उसने अपने गोल को कंप्लीट करना है, उसने पकड़ना है, उसे हर न्यू चीज अच्छी लगेगी, वो उस चीज को पकड़ने की कोशिश करेगा, उसके मामा पापा उसे फौरन से कहेंगे दैट इज द हॉट, ये हॉट है या कूल है, तो लेकिन बच्चा क्या करेगा उस चीज को, फिर भी ऑब्जेक्ट को हैंड जरूर लगाएगा, और हैंड लगाने से उसे पता चलेगा ये चीज तो हॉट है, ये मेरे लिए नुकसानदेह है, लेकिन उससे पहले उसे नहीं पता होगा। तो इस एज में स्टार्ट हो जाती है आपकी मेमोरी, मेमोरी बनना आपकी चीजों की, दिमाग में आपके कॉग्निशंस का काम स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, चीजों को देख के बच्चा उस चीज को ढूंढना शुरू कर देता है, किसी चीज की जैसे कि एक माइंड में पिक्चर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें 1 साल के बच्चे को, उसके आगे कोई टॉय लाए और टॉय दिखाएं, वो बच्चा उसे पकड़ेगा और उसे आप उस टॉय को उससे लेके छुपा दें, तो वो बच्चा कुछ ही सेकेंड्स के बाद भूल जाएगा, लेकिन 2 साल तक बच्चे के अंदर इतनी कॉग्निशंस आ जाती है, इतनी मेमोरी डेवेलप हो जाती है, आप चीज को दिखा के छुपा दें, बच्चा उस चीज को सर्च करेगा, ढूंढेगा इर्द गिर्द, वो आपके पीछे भी जाके, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि इसने कहाँ छुपाया है, बट उसे चीजों को ढूंढेगा। ये होता है आपकी चीज का एक माइंड के अंदर पिक्चर बन जाना, परमानेंस हो जाना, और आप उस चीज को ढूंढ रहे हैं, डेट इज द स्टेज ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। सो स्टूडेंट्स, प्री ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे लॉजिकल। तो प्री होता है पीछे, पहले, ऑपरेशन लॉजिक। लॉजिक चीजें वो होती हैं कि हमें रीजन पता होती है कि ये काम ऐसे हुआ है तो इसकी ये रीजन है, लेकिन लॉजिक से पहले मतलब कि इलॉजिकल काम हो रहे हैं आपके, लेकिन वो स्टेज जिसमें आपकी लॉजिक डेवलप नहीं हुई, आपने प्री से याद रखना है पिछले, पीछे बैक पे, ऑपरेशनल लॉजिक से पहले। अब पहले लॉजिक से पहले क्या क्या काम होता है ये देखें। फर्स्टली उसने कहा ट्रांसडक्शन रीजनिंग होती है, ये रीजनिंग की एक टाइप है जिसे कहते हैं इलॉजिकल थिंकिंग। बच्चे को नहीं पता होता ये चीज लिविंग है नॉन लिविंग है, ये चीज कहाँ से आई है कैसे हुआ है, सब चीजें बच्चों को लॉजिक ही नहीं पता होती, बस जो चीज उन्हें नजर आ रही है वो उसी पे बिलीव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है एनिमाइज। एनिमाइज क्या होता है, बच्चों के अंदर जैसे कि लिविंग नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो बच्चा क्या कर रहा है, अगर खुद एक बच्ची खाना खा रही है तो वो अपनी डॉल को भी खाना खिला रही है, अगर एक बच्ची गुजर रही है और मेज उसे टेबल लग गया है तो वो क्या करेगी, वो अपनी मामा को कहेगी इस टेबल को मारो इसने मुझे मारा, उसे पता ही नहीं इस चीज को दर्द हो रही है या नहीं हो रही। ये एनिमाइज होते हैं, आपके एनिमिज्म्स ये प्रैक्टिकल होती है कि आप उनको पता नहीं होता कि लिविंग एंड नॉन लिविंग का आपको लॉजिक नहीं होती कि किस चीज को दर्द होनी है किस चीज को नहीं, ये बेजान चीज है इसको खाना खिलाना है या नहीं, ये चीजें नहीं होती। थर्ड आ जाता है इस स्टेज के बच्चे जो होते हैं रिवर्सिबिलिटी होते हैं, रिवर्सिबिलिटी उन्हें नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, पियाजे ने ये एग्जाम्पल दी थी अपनी रिसर्च में, उसने क्या किया, उसने अपने बच्चे पे रिसर्च की, उसके बच्चे को रोजाना स्कूल से जो है वैन लेने आती थी, एक दिन क्या हुआ स्कूल से वैन नहीं लेने आई, वो प्याजी ने क्या किया उसका उसकी फिंगर पकड़ी और उसे कहा चलो मेरे साथ स्कूल छोड़ के आया, उसे अब पूरे वे में जो है उसको स्कूल तक छोड़ा है, और फिर उस बच्चे को जाके कहा आपको स्कूल तक का रास्ता पता है, उस बच्चे ने कहा जी पापा पता है, उसने कहा अब छुट्टी टाइम आप खुद ही वापस आ जाना, तो उस बच्चे ने क्या आंसर दिया कि मुझे घर से स्कूल स्कूल का रास्ता पता है लेकिन स्कूल से घर का रास्ता नहीं पता, मतलब कि वो रिवर्स नहीं कर सकता। 2 to 7 ईयर का बच्चा, 2 to 7 ईयर के बच्चे रिवर्सिबिलिटी तो कर सकते हैं लेकिन इररिवर्सिबिलिटी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ईगो सेंट्रिज्म। ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपका कि जैसा वो कहते हैं हम सोचते हैं बच्चे वैसे ही सब सोचते हैं, जो चीज हमें पसंद है वही चीज सबको, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक टॉय आया तो वो सब बच्चे उसी के पीछे लड़ाई करने लग जाते हैं कि हमने यही चीज लेनी है, वो एक ही चीज को अपने चॉइस या अपनी पसंद कहते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर ये चीज इस बच्चे के पास है तो यही चीज मेरे पास भी होनी चाहिए, वो चीजों को बहुत ज्यादा सेंट्रलिज्म की तरफ ले जाते हैं।
वो अपने पर्सपेक्टिव को सबका पर्सपेक्टिव मानते हैं। अब याद रखिए यहाँ पे एक गलत क्वेश्चन आता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं जैसा हम सोच रहे हैं वही बात बिल्कुल ठीक है। नहीं, बच्चे ऐसा नहीं सोच रहे होते, बच्चे ये सोच रहे होते हैं जो हम सोच रहे हैं वही सब सोच रहे हैं, वो बड़ों को गलत नहीं कह रहे होते, वो कहते हैं सबकी सोच ऐसी ही है, ठीक है। ये होता है इगो सेंट्रिज्म। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब आपने एक चीज को मरकज बना लेना होता है, एक चीज को सेंट्रल करके अपनी बाकी सारे जो इर्द गिर्द की चीजें होती है उस पे, उन चीजों को इग्नोर कर देते हो, बस एक चीज को सेंट्रल बना लेते हैं, उसी चीज पे ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को आप जो है 5-5 के दो कॉइन्स दे दें और उस बच्चे को कहें कि आप ये मुझे दे दें, मैं आपको 10 वाला एक नोट दे देती हूँ, तो वो बच्चा नहीं मानता, बिकॉज वो कहता है ये तो 1 है और ये 2 है, मेरे 2 है आपका 1 है, मैं नहीं लूंगा। लेकिन उसी बच्चे को आप 2-2 वाले कॉइन्स 5 दे दें और कहें ये 2 मुझे दे दें 5-5 वाले, और 2-2 वाले 5 आप ले लें, बच्चा बहुत खुशी से लेगा, वो कहेगा ये 5 है और ये 2 है, तो उनका जो सारा ध्यान है वो सिर्फ एक चीज पे है और बाकी चीजों को इर्द गिर्द की वो इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि ग्लास हो, एक गिलास है वो लंबाई में बहुत लंबा है, एक गिलास है उसकी विड्थ ज्यादा है, अब आप दोनों में कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, बच्चा हमेशा जो लेंथ में गिलास है वो उठाएगा। आपने 2-7 ईयर के बच्चे के साथ एक्सपीरियंस करके देख लें तो वो बच्चा हमेशा लेंथ वाले गिलास को उठाएगा, बिकॉज वो कहेगा इसमें कोल्ड ड्रिंक ज्यादा है। ये होता है कि बच्चे ने अपनी सारी तवज्जो एक चीज पे वो कर दिया है, फोकस कर दिया और बाकी चीजों को इग्नोर कर दिया है। तो एक चीज पे सेंट्रल करने का मतलब सेंट्रेशन होता है। इस स्टेज के बच्चों में ये क्वालिटीज होती है, ये चीजें डेवलप हो रही होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशन, ऑपरेशन आपको अगर याद हो तो मैंने पिछली स्टेज में बताया है लॉजिकल। कंक्रीट का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बताती हूँ। वो चीजें जो आपकी आंखों के सामने हो रही हो वो कंक्रीट होती है। एब्स्ट्रैक्ट होती है वो चीजें जो आपकी आंखों के सामने नहीं हो रही, डैट इज द एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट में क्या होता है, आप उन चीजों की लॉजिक दे सकते हैं जो चीजें आपकी आंखों के सामने है, जो चीजें आपकी आंखों के सामने नहीं है आप उस पर लॉजिक नहीं देते। तो यहां पे आपकी लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑपरेशन लॉजिकल थिंकिंग होती है, बेशक अब वो कंक्रीट ही क्यों है लेकिन लॉजिकल थिंकिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब सेकंड क्या है, रिवर्सिबिलिटी। इसमें बच्चा रिवर्सिबिलिटी करने स्टार्ट हो जाता है। अगर प्याजी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ आया है तो स्कूल से वो वापस घर भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिसेंट्रेशन। रिसेंट्रेशन, अभी सेंट्रेशन का आपको बताया कि वो एक चीज पे तवज्जो कर लेता है कि ये गिलास जो है लेंथ में ज्यादा है तो ये कोल्ड ड्रिंक लेंगे। इस स्टेज में बच्चे ये पता चलने लग जाता है कि इस गिलास में कोल्ड ड्रिंक ज्यादा आएगी या इस क्लास में, वो इसका उल्टा है। नेक्स्ट आ जाता है कॉज एंड इफेक्ट। चीजों के पीछे वजह जानने लग जाते हैं, बच्चों को वजह पता चलने लग जाती है कि ये चीज ऐसे हुई है तो इसकी वजह ये है, लेकिन वो वजह जो उनकी आंखों के सामने हो, डेट इज अ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट, इस स्टेज के बच्चे क्लासिफिकेशन करने स्टार्ट कर देते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है, चीजों को ग्रुप्स में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। आप प्रॉपर्टीज की बेस पे चीजों को डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, उनके आगे ब्लॉक्स रखते हैं ज्यादा सारे, तो वो ओवल शेप के सारे ब्लॉक्स अलग कर देंगे, रेक्टेंगुलर अलग कर देंगे, लेंथ वाइज जो से हैं वो सारे ब्लॉक्स अलग, क्लासिफिकेशन कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ द शेप्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है सिचुएशन। सिचुएशन क्या होता है, चीजों को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने खड़ा करना होता है। फॉर एग्जांपल, बच्चों को इस एज के बच्चे जो क्लास के हैं उन्हें असेंडिंग डिसेंडिंग स्टार्ट करवा देते हैं। 1-10 तक करवाया तो उन्हें कहते हैं 10-1 लिखे, इस चीज को असेंडिंग में लिखे और इस चीज को डिसेंडिंग में। बच्चा जो है असेंडिंग डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट इस एज में पता चला, बिकॉज उनकी आंखों के सामने वर्ड्स हो रहे हैं, उनकी आंखों के सामने सीरीज बन रहे हैं, दैट इज द लॉजिक के साथ। ये चीजें मैथ हमेशा लॉजिक के साथ होता है, तो वो लॉजिक वाला काम तो स्टार्ट कर दिया लेकिन वो कंक्रीट है, आपकी आंखों के सामने है। विदाउट, अगर आपके एब्स्ट्रैक्ट में चला जाता है तो इस एज में बच्चा नहीं सीख सकता। नेक्स्ट आती है आपके पास जिनसी क्वालिटी, ट्रांसमिटिविटी। ट्रांसमिटिविटी में क्या करता है बच्चा, फॉर एग्जांपल बच्चे को कहा जाए कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन बी, तो बच्चा बताएगा कि ए और सी में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, पेन चाहिए होगा। ए उसने कहा ग्रेटर देन बी, ठीक है, और फिर उसने कहा सी इज
लेस देन बी। तो बच्चे को कहा कि अब रिलेशन बताएं आप, ए का क्या रिलेशन है आपके सी के साथ। तो बच्चे ने इसको हल करना है। अब जैसे हमें भी रीजनिंग के समटाइम एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बिकॉज उनका कॉन्सेप्ट सेम ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स के, जैसा इस स्टेज के 7 to 8 स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनसे ये क्वेश्चन किया जाता है, तो वो ये सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह हमसे भी ये क्वेश्चन किए जाते हैं रीजनिंग के। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा एक पेंसिल अपने बॉक्स से निकालेगा, उस बॉक्स को कहेगा कि ये पेंसिल जोन सी है ए है, ये बड़ी है। अब वो दूसरी पेंसिल निकालेगा, वो कहेगा ये बी जोन सी है ना, ये छोटी है ए से। उसने दोनों पेंसिल रख दी। अब उसने कहा एक सी पेंसिल लेनी है, सी छोटी है बी से। अब ये सी है उसने कहा, और ये जोन सी है ये बी है। उसने अपनी पेंसिल्स निकाली, चीजों को देखें, ऑब्जेक्ट को वो कंक्रीट कर रहा है, वो चीजों को बाय आंखों के सामने, वो बाय यूजिंग द आईज, आईज का यूज करते हुए जो चीजें उन्हें सामने नजर आई। अब वो कह रहा है हमने रिलेशन बताना है ए एंड सी में, तो ए इज ग्रेटर देन सी। वो बताएगा कि ए वाली पेंसिल बड़ी है सी से, ये रिलेशन है इसका। तो स्टूडेंट्स ये जो उनकी एबिलिटी होती है ये इस स्टेज में क्रिएट हो जाती है, डेवलप हो जाती है। लास्ट स्टेज आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल का मतलब होता है प्लानिंग, प्लानिंग करना स्टार्ट हो जाता है। लॉजिकली आप प्लानिंग करते हैं, ऑपरेशन आप लोगों को पहले भी मैंने डिस्कस किया लॉजिकली। तो ये एडोलेसेंस की एज होती है, 11 से ऑनवर्ड होती है। इसमें क्या होता है कि आपने प्लानिंग करनी, आपकी हाईली प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, आपकी थिंकिंग जो होती है वो लॉजिकल होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया जो चीज़ें आपकी आंखों के सामने नहीं होती आप उन पर भी बिलीव करते हो, और उनकी लॉजिक ढूंढ के, कॉज एंड इफेक्ट देख के उस पर बिलीव करके उसकी थिंकिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। डिडक्टिव थिंकिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज आपकी पिछली जो सी थी वो इंडिडक्टिव थी, आप स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे होते हैं। इसमें आपने जनरल चीजों से दोबारा स्पेसिफिक आना होता है, तो आपकी डिटेक्टिव रीजनिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है, आप डिटेक्टिव थिंकिंग कर सकते हैं। ईगो सेंट्रिसिज्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो सेंट्रिसिज्म होता है आपने अपने आप को सेंट्रल बना लेना होता है, कि आपको आप ऐसे अब मैं कैसी लग रही हूँ, मैं मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे कैसी स्टडी करनी चाहिए। आप अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और अपने बारे में प्लानिंग करते हैं। डेट इज अ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसमें आपके अंदर जो थिंकिंग एक लॉजिकली डेवलप हो चुकी होती है, आपको चीजें सामने ना भी हो तब भी आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे पिछली स्टेज थी कंक्रीट जोन सी थी, उसमें आपकी चीजों का सामने होना बहुत जरूरी था। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कंक्रीट में, वो ए इज ग्रेटर देन बी, वो जो है वो चीजें कंक्रीट है। और एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ग्लासेस की, कि वो चीजें कि आपको ग्लास मैंने आपके सामने नहीं शो किए ग्लास, लेकिन आपको समझाया और आपको समझ आ गई है। डेट इज अ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, कि आपकी चीजें ना भी आंखों के सामने हो देन भी आप उस चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बिकॉज अब 11 से ऑनवर्ड है और आपने इसीलिए वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आप पहुंच चुके हैं, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की भी हायरली स्टेज है जिसमें आपकी प्लानिंग भी हायरली होती है, इगोसेंट्रिसिज्म भी, एंड डिटेक्टिव थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो आपकी बहुत ही हाई लेवल की है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इसे मस्ट बी शेयर दिस लेक्चर, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, बिकॉज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो शॉर्ट क्वेश्चंस पे है, और वो हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो पास्ट पेपर्स में हमारे हो चुके हैं। सो अगली वीडियो तक आपके लिए अल्लाह हाफिज़।